import price list from Excel. Automobiles is business में products के rates ये monthly या quarterly change होते हैं. जिस वक्त product के rates change होते हैं, उस वक्त company से नई price list भेजी जाती हैं. ये price list company ने CSV format में आपको provide की होगी, तो वो आप software में import कर सकते हैं. Price list import करने के लिए manually rates भरने का time तो बच ही जाता है, उसके अलावा उसमें होने वाले mistakes भी टल जाते हैं. प्राइस लिस्ट एक्सेल में से इंपोर्ट करने के लिए मेन्यू बार से बिलिंग मेन्यू पर क्लिक कर दें. इसमें इंपोर्ट बिल्स फ्रॉम सप्लायर, इंपोर्ट प्राइस लिस्ट फ्रॉम सप्लायर इस सब मेन्यू पर क्लिक करें. प्राइस लिस्ट इंपोर्ट करने से पहले वो फाइल योग्य फॉर्मेट में होना ज़रूरी है. प्राइस लिस्ट की ब्लैंक CSV जनरेट करने के लिए यस बटन पर क्लिक करें. अब सी ड्राइव पर एक्मे TMP फाइल्स फोल्डर में CSV फॉर प्राइस लिस्ट कन्वर्जन .csv ये फाइल क्रिएट हो जाती है. ओके बटन पर क्लिक करें. CSV फाइल का प्रीव्यू आपको दिखाई देगा. इंपोर्ट होने वाले CSV फाइल का फॉर्मेट इस तरह का है या नहीं एक बार चेक कर लें. एक्मे TMP फाइल्स इस फोल्डर में जनरेट हुई CSV फाइल भी आप देख सकते हैं. अब प्रीव्यू विंडो बंद कर दें, उसके लिए कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करें. सिलेक्ट इंपोर्ट डेटा फाइल ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. इसमें इंपोर्ट करने की CSV फाइल सिलेक्ट करके ओपन बटन पर क्लिक करें. अपडेट प्राइस लिस्ट मैपिंग विंडो ओपन हो जाएगी. इसमें लेफ्ट हैंड साइड में CSV फाइल में मौजूद प्रोडक्ट्स और उनके रेट्स आप देख पाएंगे, और राइट हैंड साइड में एक्मे इनसाइट में मौजूद प्रोडक्ट्स और उनके रेट्स दिखाई देंगे. CSV फाइल में मौजूद प्रोडक्ट्स के नाम और आपके पास मौजूद प्रोडक्ट्स के नाम ये अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए हमें प्रोडक्ट्स मैप करना ज़रूरी होता है. प्रोडक्ट्स के एंट्री कोड से प्रोडक्ट्स के ऑटो मैपिंग भी आप कर सकते हैं, जैसे कि CSV फाइल में 1380 इस एंट्री कोड के लिए रिंगसेट पिस्टन OS 1.5 ये आइटम होगा, और अपने प्रोग्राम में 1380 इस एंट्री कोड के लिए रिंगसेट पिस्टन 1.5 ये आइटम होगा, तो रिंगसेट पिस्टन OS 1.5 इस आइटम को रिंगसेट पिस्टन 1.5 ये आइटम मैप हो जाएगा. एंट्री कोड से ऑटो मैपिंग करने के लिए मैप ऑल इस बटन पर क्लिक करें. अब सभी प्रोडक्ट्स एंट्री कोड के अनुसार ऑटो मैप हो जाएंगे. ऑटो मैपिंग करने के बाद मैप हुए प्रोडक्ट्स एक बार चेक कर लें. मैप इस बटन पर क्लिक करके सिंगल प्रोडक्ट आप मैप कर सकते हैं. प्रोडक्ट का मैपिंग एक ही बार करने के बाद नेक्स्ट टाइम प्राइस लिस्ट इंपोर्ट करते समय मैपिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है. अनमैप इस बटन पर क्लिक करके प्रोडक्ट आप अनमैप भी कर सकते हैं. अगर किसी भी प्रोडक्ट का रेट प्राइस लिस्ट में से अपडेट नहीं करना होगा, तब रिमूव फ्रॉम लिस्ट इस बटन पर क्लिक करें. प्राइस लिस्ट में मौजूद रेट्स अपडेट करने के लिए अपडेट प्राइस ऑल इस बटन पर क्लिक करें. रेट अपडेट होने के बाद लिस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली ये मैसेज आपको दिखाई देगा. ओके बटन पर क्लिक करें. अपडेट प्राइस ऑल इस बटन पर क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट मास्टर में मौजूद रेट्स जैसे कि परचेस रेट, सेल्स रेट और MRP ये रेट्स अपडेट हो जाएंगे. अगर आपके पास प्रोडक्ट के बैच वाइज सेल्स के सेटिंग्स ये बैच फॉर ईच एंट्री है, तब स्टॉक में मौजूद सभी बैचेस के रेट्स अपडेट करने के लिए अपडेट बैच सेल्स रेट अप टू टूडेज डेट इस बटन पर क्लिक करें. इस बटन पर क्लिक करने से आज के डेट तक के सभी बैचेस के रेट्स अपडेट हो जाएंगे. आज के डेट के बाद अगर कुछ परचेस किया होगा तो ऐसे बैचेस के रेट्स आपको चेंज करने हैं, तब अपडेट बैच सेल्स रेट आफ्टर टूडेज डेट इस बटन पर क्लिक करें. प्रोडक्ट के अगेंस्ट अपडेट हुए रेट्स देखने के लिए व्यू बटन पर क्लिक करें. प्रोडक्ट्स के स्टेटस के अनुसार प्रोडक्ट्स ये अलग अलग कलर में दिखाई देते हैं. CSV फाइल में से आए कोई भी प्रोडक्ट का सेल्स रेट ये अगर बैच MRP से ज़्यादा होगा तो ऐसे प्रोडक्ट्स के रेट्स अपडेट नहीं होते हैं. प्राइस लिस्ट अपडेट करने के बाद जिन प्रोडक्ट्स के रेट्स अपडेट नहीं हुए हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स एक बार चेक करना ज़रूरी है. इस तरह से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के चेंज हुए रेट्स भरने के लिए आपको लगने वाला टाइम बच जाता है.